नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे कि हम पिछले कई दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आए। शायद 19 मार्च के बारे में जो बात थी हम उससे संबंधित भी वीडियो आपको नहीं बता सके हैं कि 19 मार्च को शिक्षा मित्रों के लिए कोई ख़ास दिन हो सकता था, कोई विशेष घोषणा हो सकती थी, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ और वो दिन भी शिक्षा मित्रों के लिए एक उदासीन दिन की तरह ही रहा। कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। हमने बहुत प्रयास किया शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई ऐसी खबर मिले जिसे बताने के बाद आपको खुशी मिले, आपको अच्छा महसूस हुआ, लेकिन इतने दिनों में हमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जो हम आपके लिए ऐसी खबर लेके आ सकें। आज हम इस वीडियो को इसलिए लेके आए क्योंकि आज हम इस शिक्षा मित्र संबंधित दो बिंदुओं पर बात करेंगे और दोनों ही बिंदु विगत कुछ दिनों में जो खबरें आई हैं उसी से ही संबंधित हैं। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप होली से पहले, यानी हम चाहते हैं 31 मार्च से पहले आप हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। ये सब्सक्राइबर जरूर पूरे हो सकते हैं क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं, 45% लगभग हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आज पहले सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मुझे होली के पर्व पर एक उपहार आपकी तरफ से मिल सके, 1,00,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो सकें। साथ ही वीडियो को लाइक जितना करेंगे उतना ही ये आपके साथियों तक पहुंचेगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ही मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं शिक्षा मित्र के उन टॉपिक्स पर जो आपके भविष्य को लेके आप खासकर जिसको लेके परेशान रहते हैं उनसे संबंधित है। सबसे पहले बात आती थी कि सभी के जहन में एक ही सवाल, क्या शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में समाहित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं ये दौर एक आदेशों का दौर चल रहा है, हर एक दिन में दो दो चार चार आदेश सरकार की तरफ से आ जाते हैं, चाहे ये आदेश प्राथमिक शिक्षा में बदलाव के लिए किए गए हों, चाहे नई शिक्षा नीति लागू को करने से पहले उसको सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए हों, लेकिन आदेश इतने आते हैं कि शायद अब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इससे क्या संबंध है। अब जैसे कि पहला आदेश आया था कि प्री प्राइमरी में जो है अब पहली दूसरी शामिल हो जाएगी, एक बैठक की गई, समिति बनाई गई और पहली दूसरी को प्री प्राइमरी में शामिल किया गया। तब से ही शिक्षा मित्रों के मन में ये सवाल आ गया कि क्या अब पहली दूसरी के साथ साथ शिक्षा मित्र भी प्री प्राइमरी में पहुँच जाएंगे। वहीं से विवाद शुरू होने लगे। सबसे पहले एक की पोस्ट आई कि पहली और दूसरी में शिक्षा मित्रों को नहीं रखा जाएगा, उसके लिए सरकार निश्चित तौर पर प्री प्राइमरी के नाम पर एनटीटी और एनटी किए हुए शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी एनटीटी जो एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जैसे बीटीसी पहले से पाँचवीं तक का होता था प्राथमिक के लिए, ऐसी एनटीटी पहली से छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है एनसीटी पता नहीं कौन सा नियम बना दे कि प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एनटीटी करे हुए ही शिक्षक रखे जाएंगे, तो सरकार अगली भर्ती जो प्री प्राइमरी के लिए करेगी वो एनटीटी को लेके कर सकती है। इसकी खबर कम से कम एक साल पहले से चल रही है जब से नई शिक्षा नीति का मसौदा सामने आया है, एक ड्राफ्ट सामने आया था तब से चल रही है। तो जब एनटीटी की भर्ती होगी तो अभी हाल ही में जो प्रदेश में 50,000 पद रिक्त हैं आंगनबाड़ियों के, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के, उसकी भर्ती अभी क्यों करा रही हैं। अभी आदेश आया है कि आंगनबाड़ियों की भर्ती अभी 4 से 5 दिनों के बाद ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, जिसमें 50,000 पद खाली हैं पूरे प्रदेश में और वो भरे जाएंगे। आपको ताज्जुब भी होगा कि सहायिका के लिए 5वीं पास और मुख्य कार्यकर्ती के लिए इंटर पास रखी गई है, हाई स्कूल और इंटर पास योग्यता रखी गई है, अलग अलग पद के लिए रखी गई, लेकिन कोई भी इंटर पास से ज़्यादा का नहीं है। तो हाई स्कूल और 5वीं पास क्या प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पर सरकार बीटीसी किए हुए और 18-20 वर्षों का अनुभव प्राप्त करे हुए शिक्षा मित्रों को पहली दूसरी में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहां वो तर्क ख़त्म होते हैं जो ये कहते हैं कि पहली दूसरी में पढ़ाने के लिए एनटीटी वालों को रखा जाएगा। हो सकता है भर्ती करें, शायद जगह बचे, पद देखते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्रों को पहली दूसरी को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। शायद उन्हें सबसे अधिक वरीयता प्राप्त होगी, शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वरीयता प्राप्त होगी, उनका अनुभव, उनकी योग्यता सब उनके साथ है। तो आप चिंता ना करें, प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
फिलहाल अभी इसी प्री प्राइमरी को लेके आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ ने एक पत्र लिखा है, अपने लेटर पैड पे महानिदेशक महोदय को पत्र दिया है, उनको ज्ञापन दिया है। और उसमें कहा गया है कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पहली दूसरी को आप प्री प्राइमरी में शामिल करें, पहली दूसरी में पहली और दूसरी क्लास को प्री प्राइमरी में शामिल करने से बेसिक के शिक्षकों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहली दूसरी बात यही कि इससे संबंधित पोस्ट आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि पहली दूसरी क्लास निकलने से नामांकन प्रक्रिया पहली दूसरी में होगी तो इधर जो है प्राइमरी में नामांकन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अब वर्तमान में शिक्षक हैं वो सरप्लस हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद सरकार शायद जल्दी रिटायरमेंट, जबरन रिटायरमेंट, योग्यता के आधार पर जो रिटायरमेंट होगा, सरप्लस अध्यापकों का शोषण शुरू हो जाएगा, समायोजन के नाम पर काफ़ी शोषण होगा, ये कहना उत्तर प्रदेश प्राथमिक वो उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ का है। और भी ऐसे कई कारण बताए कि हम पहली दूसरी को प्री प्राइमरी में शामिल नहीं होने देंगे। इस पत्र को हम शिक्षा मित्र के पक्ष में माने या विपक्ष में, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम यही बात कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो उच्च प्राथमिक संघ है, जिन्होंने पत्र महानिदेशक महोदय को दिया है, शायद उनके संज्ञान में इतनी तो बात होगी ही कि अब इतनी देर नींद से जागने से क्या फ़ायदा होता है। ये देश की नई राष्ट्रीय नीति जो बनी है, शिक्षा नीति, उस पर आधारित है, जिस पर काम पिछले एक दो वर्षों से चल रहा था, आपसे विचार विमर्श भी किया गया, सुझाव भी मांगे पूरे देश में, ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, उस पर आपत्तियाँ भी ली गई, तब से बात चली आ रही है कि अब नई शिक्षा नीति 5+3=4 पर रहेगी। तब कहा थे कि पहली दूसरी जो प्री प्राइमरी में शामिल हो रही है, जब सब कुछ तैयार हो गया, नई शिक्षा नीति कुछ महीनों बाद लागू होने जा रही है, तब नींद से जाकर वो पत्र देते हैं कि हम पहली दूसरी को प्री प्राइमरी में शामिल नहीं होने देंगे। क्या ये संभव है कि आप राष्ट्र की शिक्षा नीति को अब बदल सकते हैं एक पत्र के, एक ज्ञापन के माध्यम से? तो कुछ नहीं, बस शोर शराबा करना है और इससे होना कुछ नहीं है। प्री प्राइमरी में पहली दूसरी तो शामिल होके ही रहेगी, ये राष्ट्र की नीति है, किसी जिले की या प्रदेश की नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, एनटीटी किए हुए कैंडिडेट प्री प्राइमरी में रखे जाएं, चाहे आंगनबाड़ियों की और भर्ती की जाए, आपका भविष्य सुरक्षित है। राज्य सरकार आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ विकल्प रखे हुए है, क्योंकि उनका मसौदा बिल्कुल भी इस बात पर तय नहीं है कि वो किसी को भी बाहर निकालेंगे। और ख़ासकर इतने शिक्षित प्रशिक्षित अभ्यर्थी, उनको बाहर निकालना कि कहीं भी न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपने कार्य में लगे रहिए। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएँ, प्रेरणा जो योजना है, उसको सफल बनाने में सरकार का सहयोग कीजिए, आपको इसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही मिल जाएगा। वैसे तो डेट देने में लवली शुक्ला और जो है आपके एक वो थे अजय प्रताप सिंह, वो बहुत देते थे डेट के 27 से 27, लेकिन इस बार तो हृदय त्रिवेदी ने भी कहा है कि 15 जून तक आप तक आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 1 अप्रैल से 15 जून तक ये जो समय चलेगा, उसमें शिक्षा मित्रों को धीरे 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 स्थायीकरण की तरफ ले जाएंगे, उनका समायोजन होगा, उनको नई शिक्षा नीति में एक तरह से फिट करेंगे, ये 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक के बीच में। तो ये जो दौर होगा बहुत ही आपके लिए सुनहरा होगा। इस दौर में कोई भी गलती ना करें, इस दौर से पहले भी कोई गलती ना करें, सरकार के विपक्ष में कुछ ना बोलें। हमारी बस आपसे यही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हमें जो है एक उपहार भेंट कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलते हैं। अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे बेशिक्षा की कुछ खबर को लेके, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट लेके अपने चैनल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।